انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجنت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه وهم ما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों मोजुज़ मकरम, मुशाहन और मुशाहिद सामीन और सामियात असलम वह वरक आज बाद बादज मगरिब हमारा मौद सुखन है ईमान की हकीकी लज्जत उसकी सच्ची चाशनी और ख़ूबसूरत मिठास इमाम बुखारी रहा ने अपनी सही बुखारी की किताबुल ईमान में एक इन में बाब इन अल्फाज में कायम किया है बाब ईमान उससे पहले जो था, बाब था हुब्बुर रसूल ईमान उस बाब का मतलब था महब्बत रसूल ईमान की आलामत है महब्बत रसूल ईमान का एक हिस्सा है महब्बत रसूल ईमान का एक जुज़ है इस बाब जो बाब हलावत ईमान है इसमें इमाम बुखारी ने एक हदीस को छः मुख्तलिफ़ किताबों में सई बुखारी के 97 से सतानवे किताबें हैं सई बुखारी में उसमें किताब लाईमान दूसरी किताब है तो किताब लाईमान में दो मरतबा इस हदीस को ले कर आए हैं फिर उसके अलावा और मुख्तलिफ हदीस की किताबों सही बखारी की मुख्तलिफ किताबों में और मुख्तलिफ अबवाब में इसको ज़िक्र किए हैं किताब लाईमान की पहली रवायत हज़रतान सर अल्लाह तु से रिवायत है वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सलासुनमनक़ी वजलाउत ईमान तीन क़स्म की खसलतें या तीन खूबसूरत खसलतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर ये पाई जाए या पैदा हो जाए वो शख़्स ईमान की लज्जत को पा लिया ईमान की मिठास और शरीनी को पा लिया उसकी हलावत को पा लिया पहली खसलत ये है कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाए दूसरी खसलत यह है कि वो इंसान, वो किसी भी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करे तीसरी खसलत यह है कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसे आग में डाले जाने को बुरा जानता है इस हदीस की शरह में सही बुखारी की जो शुरुहत हैं बहुत सारी शुरुआत हैं और उसमें उर्दू ज़बान में मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि दुनिया के मुख्तफ़ानों में ती साढ़े तीन सौ से ज़्यादा सही बुख़ारी के शरहें लिखी जा चुकी हैं और अभी माजी करीब में तीन उर्दू ज़बान में उसकी मंजर आम पे आ चुकी हैं एक हिदायतुल कारे, दूसरी बारी, एक और तीसरी शरह भी उसकी पहली जिल्द आ चुकी है तो इस तरह से हर आने वाले चंद सालों में कोई ना कोई एक नई शरा उसकी आती जा रही है लेकिन उसकी चंद शरहें बड़ी मरूफ़ और मशहूर हैं अरबी ज़ुबान में और वही मुतदावल हैं आम तौर से उर्दू ज़ुबान में भी हदायतलकार और बारी से पहले दाहबारी और इसी तरीके से शेख दाऊद राज की शराह ये बड़ी मशहूर हुई बब्बूर रसूल अमीन ईमान इससे पहले जो बाब था उसमें ये बताना मकसूद था कि मोहब्बत रसूल ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की आलामत इस बाब में ये बताना मकसूद है बहुत सारी चीज़ें मकसूद हैं एक अहम बात ये मकसूद है कि ईमान वालों को उनके ईमान में कब और किन हालात में और कैसे मज़ा मिलता है कैसे लुत्फ हासिल होता है क्योंकि हर चीज़ का अपना एक ख़ास जायका होता है उसका एक मखसूस लुत्फ़ होता है उसका एक अपना स्पेशल टेस्ट होता है अच्छी चीज़ देखने से इंसान लज्जत महसूस करता है ख़ूबसूरत चीज़ों पे जब निगाह पड़ती है तो इंसान के दिल में ख़ुशी महसूस होती है अच्छी आवाज़ सुनने से भी दिल में खुशी की लहर दौड़ती है इसी तरीके से लजीज खाने पीने से भी इंसान को लज्जत हासिल होती है अगर कोई आदमी किसी मुश्किल में फंसा हुआ हो या अकली तौर पर कोई कोई रियाजात का फार्मूला उसको समझ में ना आ रहा हो मैथमेटिक का कोई फार्मूला समझ में ना आ रहा हो साइंस का कोई फार्मूला उसको समझ में ना आ रहा हो और वो मुसलसल उस फार्मूले के पीछे मेहनत कर रहा है और वो हल हो जाए और वो मसला उसके सामने वाजे हो जाए तो उसे अकली तौर पर भी इंसान को हलावत और लज्जत और लुत्फ और, और मज़ा महसूस होता है तो तुबे कैफ बादजमा कहते हैं कि अकली हलावत भी आखिरकार महसूसात की तरह से हो जाती है क्योंकि तस्दीक के तीन दर्जात हैं एक तस्दीक अखली भी है उनमें से जिसमें इंसान को ईमानियात का यकीन जब हासिल होता है ईमान एक अनदेखी चीज़ गैर गैरमरई चीज़ है मुशाहदे में ना आने वाली चीज़ है क्योंकि वो दिल के अंदर होता है किसी को नज़र तो नहीं आता मेरा और आपका ईमान क्या है और कितना है उसका लेवल किस कदर आला और बुलंद है ये हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन नाप तो नहीं सकते कोई थर्मामीटर हमारे पास नहीं किसी को ईमान किसी का ईमान नापने के लिए उसको कौन जानता है अल्लाह सुबहाना तआला तस्दीक के तीन दर्जात हैं एक तस्दीक अकली है जिसमें इंसान को ईमानियत का यकीन हासिल हो लेकिन आमाल का उस पर इतना गहरा असर न हो ये इब्तदाई दर्जा है तस्दीक दूसरा दर्जा तस्दीक अफाली का है ये तस्दीक इंसान को आमल पर आमादा करती है उसे अल्लाह और रसूल और उनके किए वादों का यकीन होता है उसमें तस्दीक के दूसरे दर्जे में तभी तो अमल पर वह आमदा होता है नमाज पढ़ने पर आमदा होता है रोज़ा रखने पर उसको शदीद प्यास लगी होती है शदीद गर्मी होती है इसके बावजूद अपना रोज़ा नहीं तोड़ता क्यों उसको यकीन है कि अल्लाह ताली क़यामत के दिन मैं सब्र कर लूँगा तो बाबर रैयान से मुझे जन्त में दाखिल करेंगे तीसरा दर्जा तस्दीकलबी का है पहला दर्जा तस्दीक अकली दूसरा दर्जा तस्दीक आमाली तीसरा दर्जा तस्दीकलबी का है उसके पाए जाने से इंसान में इनकलाब रूनुमा होता है दिल के अंदर अगर यकीनी कैफिया शौरी कैफियात मजबूत हो जाएँ पुख्ता हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बढ़ जाती है आदमी इंसान जब इस मरतबे को पहुँचता है तो उसको हलावत अकली महसूसात की तरह मैंने लगने लगती है ईमान की कैफियात इस क़दर बढ़ जाती हैं कि आदमी को लज्जत महसूस होने लगती है क़ुरान की तिलावत कर रहा है उसको लुत्फ आ रहा है क्यों ईमान की कैफियात उसके दिल में बुलंद लेवल पर हैं जिकले इलाम में बैठा हुआ है फ़जर की नमाज़ पढ़ के सूरज निकलने तक बैठ कर दो रकात नमाज़ पढ़ के ही मस्जिद से निकलता है क्योंकि उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है मस्जिद से में अटका हुआ है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में हलावत और चाशनी पैदा हो जाती है इसकी वजह से दुनियादारों को जैसे गोश्त खाने से उनके अपने मनपसंद के खाने और मतलूबा गजाएँ इस्तेमाल करने से खुशी और लजत महसूस होती है शहद का जूस असीर पीने से लजत महसूस होती है दूध पीने में लुत्फ आता है तो उसी दर्जे के ईमानदारों को ईमानियत में लुत्फ आता है शर्त यह है कि पहले इंसान का नफ्स महजब बन जाए उसके बाद ये दर्जा हासिल होता है इस तरह का ताल्लुक जब अमाल के साथ पैदा हो जाता है तो तबीयत तौर तो पर उसे गुनाह से नफरत पैदा होती है गुनाह में सियाह और तारीकी पाई जाती है तो नेकी में नूर और रोशनी होती है जब इंसान से कोई गलती हो जाती है गुनाह होता है तो यह रोशनी और नूर मिटने लगता है तारीकी शुरू हो जाती है गोया नेकी में खुशबू और बदी में बदबू होती है नेकी करने में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी इतरफरश इंसान के पास कस्सूरी वाले के पास बैठा हुआ आदमी और गुनाह करने के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे किसी कचरे के ढेर पर मजबला और गंदे गंदगी के ढेर के पास बैठा हुआ हो जबाले के पास नेकी से मज़ा आता है और गुनाह से बदमजगी पैदा होती है जब इंसान तस्दीकलबी के, के मर्तबे को पहुँचता है तीसरा मर्तबा होता है तो उसे गुनाहों के कामों में तभी तौर पर नफरत होना होने लगती है उससे गुनाह का होना दुशवार होता है और ऐसी सूरत में ईमान का उसको मजा आने लगता है और ईमान का नूर बढ़ जाता है और ईमान उसका ताकतवर से ताकतवर क्योंकि नेकी के कामों से उसको तकवीत मिलती है ईमान को जितने आप एक नेकी आप कर लेते हैं तो दूसरी नेकी कहती है मुझे भी कर लो दूसरी नेकी अपने आप को दावत देती है और इस तरह से ईमान का नूर उसके तमाम जिस्म में शरायत कर जाता है और उसको हसल का दर्जा जो है हज़ूर सूरत इख्तियार कर लेता है उसके दिल में इस हदीस के कुछ अल्फाज इस तरह हैं तलात मनकुन नफ़ी वजद हलावत ईमान तीन खसलतें ईमान की जो है सबसे बुलंद खसलतें हैं ये जिसमें ये पूरी तौर पर पाए जाए वो ईमान के हलावत को पाता है ईमान की हलावत इंसान के ज़ुबान और मुँह से नहीं बल्कि ईमान की हलावत दिलों से चखी जाती है क्योंकि ईमान का नूर कहाँ होता है दिल में होता है ईमान और यकीन की कैफियत कहाँ पैदा होती हैं दिल में पैदा होते हैं जैसे खाने पीने की हलावत का ताल्लुक मुंह और ज़ुबान से है जब आप कोई शेरिनी या मिठाई अपनी ज़ुबान पर रख के चखते हैं तो उसकी लज्जत आपको ज़ुबान पर और मुँह में महसूस होती है क्योंकि आपके ज़ुबान में दस हज़ार जयक़ा खाने अल्लाह ताला ने रखे हैं कितने जायका खाने हैं ज़ुबान में दस हज़ार जैसे ही कोई खट्टी चीज़ खारी चीज़ तेज़ चीज़ नमकीन चीज़ मीठी चीज़ बल्कि बाज़ वक्त तो आप अपनी ज़ुबान पे नहीं रखते लेमन काट रहे हैं आपकी ज़ुबान से लुआब निकलना शुरू हो जाता है कोई खट्टी चीज़ आप देख रहे हैं, अपने हाथ में रख के आपकी ज़ुबान अपने बहुत सारे मवाद अफरा निकालना शुरू कर खारिज करना शुरू कर देती है लजीज चीज़ों को देख कर मुँह में पानी आने लगता है तो मेरे भाइयों इसी तरह से रूह ईमान का ताल्लुक रूह से और दिलों दिलों से है ईमान रूह और दिलों की गजा है इससे खाना पीना जिस्मों की खुराक है तो ईमान और यकीन की जो कैफियात हैं वो दिलों की ग़ा है दिलों में उससे लुत्फ पैदा होता है जैसे जिसम सही तंदुरुस्त हो खाने पीने की हलावतों महसूस कर सकता है खाने पीने की लजत को महसूस कर सकता है अगर जिसम बीमार हो तो वो उस हलावत को नहीं पाती जैसे कोई सफरावी बीमा मरीज़ है सफरे का मरीज़ है चार चीज़ों की वजह से आदमी बीमार होता है सौदा सफरा दम बल जिनको अखलात अरबा कहते हैं हाँ, हकीम लोग तबीब लोग इनके अंदर बैलेंस अगर है जिसम के अंदर सौदा सफरा दम बलग़म ये चार चीज़ों के अंदर बैलेंस है तो बीमार नहीं होता इंसान तोज़ुन जब बिगड़ता है खून की कमी वाकई होती है तो बीमार होने लगता है खून बढ़ भी जाता है तो आदमी बीमार होने लगता है बलगम बढ़ जाता है तो बीमार होता है तो ये सारी चीज़ें जिसम अल्लाह ताली ने एक तनासब और तोज़ुन के साथ रखी हैं तो सफ़रा जब बढ़ जाता है तो शहद जिससे मीठी और प्यारी और शेरीन चीज़ भी उसको कड़वी महसूस होने लगती है शायद कड़वा महसूस होने लगता है ऐसे दिल भी अगर बीमार हो तो उसके अंदर ख़्वाहिशतें नफ्स उसके पीछे लगे हुए हों नफ्स की शहवतें उसमें डूबा हुआ हो दिल शुभात का मरीज़ हो अगर दिल तो ईमान के हलावत उसको महसूस नहीं हो सकती जब बीमारियों से इन बीमारियों से दिल अगर पाक है ख़्वाह नफ्स से अगर पाक है नफ्स की शहवतों से वो पाक है शुभात के बीमारियों से दिल पाक है दिल की बीमारियाँ शहवात और शुभात। दिल के दो बड़ी बड़ी बीमारियाँ लाक होती हैं शहत और शुभात शहवत से बचने के पचास तरीक़े कय्यम ने बताएँ महफूज रहने के लिए शहवत एक तरह की सिर्फ जिनसी शहवत ही नहीं होती इंसान के जिसम में और जान में बहुत सी चीज़ों की शहवतें होती हैं तो हर किस्म की शहवतों से बचने के लिए पचास से ज़्यादा वसायल और इसबाब बताए बयान किए हैं बहरहाल आदमी कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़े अल्लाह से अपना ताल्लुक रिश्ता और नाता मजबूत कर ले और दिल की बीमारियों से दिल को पाक को साफ करे, गुनाहों से मासी से नाफरमानी के कामों से अगर वो दूर रहे तो ईमान का लुत्फ ईमान की हलावत ईमान की चाशनी ईमान का मज़ा महसूस होता है अगर ऐसा मरीज़ दिल आ, मरीज का दिल अगर तबाहकुन बीमारियों में नाफरमानियों में मल है मासीत की हालत में ईमान उससे खारिज हो जाता है सही बुखारी ही की एक हदीस में है लाज़नी जान ही नज़नी व ममिन कोई भी जिना करने वाला जना करता है जना नहीं करता जब तक वो जब वो जिना करता है तो वो मोमिन नहीं हो ईमान उससे उठा लिया जाता है इसलिए मासीत के इरतक करने वाले का अगर ईमान कामिल हो तो वो ईमान में हलावत अगर ईमान कामिल है तो वह मासीत का अरतक ही नहीं करेगा मासी से दूर रहेगा और उसको कामिल ईमान उसके पास होता तो वो गुनाह के करीब नहीं जाता और मासी की लज्जत उसको महसूस नहीं होती बल्कि उससे नफरत होती तो दीनी भाइयों वह बिन वर्द से पूछा गया क्या अल्लाह ताला के नाफरमानों को ईमान की लज्जत नसीब होती है एक इंसान है ईमान तो है उसके दिल में लेकिन अल्लाह की नाफरमानी भी हो रहा है उससे सरजद हो रही उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं बल्कि जो नाफरमानी के काम का इरादा करे नाफरमानी तो कर रहा नहीं है भी वो सिर्फ इरादा करे तो उसे भी हलावत ईमान नसीब नहीं होती हलावत ईमान तो उस शख्स को मिलती है जो इन तीन खसलतों को अपने अंदर जमा कर लेता है अल्लाह उसके रसूल उसके पास सबसे ज़्यादा महबूब हों और किसी भी मुसलमान से किसी भी अहले ईमान से वो मोहब्बत करता है तो सिर्फ़ अल्लाह के रज़ा के लिए करता है कुफर में शिरक में निफाक में बिदातों में वापस जाने पर उसको ऐसी नफ़रत हो जैसे ज़हन्नम की आग में डाले जाने से नफरत होती है जलना किसी को पसंद नहीं है तो दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों असलाफ से ये क़ल मनक़ूल है من عرف الله आरफल्लाब ومن अहब्ब अता जिसको अल्लाह की सच्ची मारफत हासिल हो गई ये हमारे दिन का एक बुनियादी असूल है अल्लाह की सही मारफ़त अल्लाह की सही पहचान सच्ची पहचान जिसको हासिल हो गई उसको वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा उसके रसूल से मोहब्बत करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा तो उनकी इताद करेगा मोहब्बत बग़ैर इताद के तस्वर नहीं की जा सकती मोहब्बत करने वाले को अपनी महबूब की बात माननी होती है उसकी इताद करनी होती है उसकी फरमाबरदारी करनी होती है उसकी तबेदारी करनी होती है उसके फरमान फरामीन की को नाफि करना होता है तो जिस शख्स को अल्लाह की सच्ची मारिफत और सही पहचान हासिल हो जाए वो अल्लाह से महबत करता है ज़रूर करता है और जिसको अल्लाह से मोहब्बत नसीब हो जाए फिर वो दिल वजान से अल्लाह की इताद भी करता है दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों अल्लाह आप सबको खुश रखे यहाँ इस हदीस में एक जुमला है यकून अल्लाह व रसूलू यकून अल्लाह व रसोलो अहब्बी मिम् मिम्मा सिवाहुमा मिम्मा, सिवाहु... मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज़ ये बताई गई है ईमान के हलावत को पाने के लिए अल्लाह और उसका रसूल मोमिन के पास सबसे ज़्यादा महबूब उसके सिवा से इम्मा सिवा हुमा अरबी ज़ुबान में हुमा का लफ्ज़ दो के लिए बोला जाता और दोनों उसमें मुश्तरक होते हैं मोहब्बत में मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल की बात की जा रही है और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा यहाँ एक एतराज़ इस हदीस पे किया गया है और उसका जवाब जो है महदसिन ने मुख्तलफ़ पहलुओं में उसलूबों में दिया है चार जवाब इस एतराज़ के मैं आज आपके सामने पेश करूँगा एतराज़ पहले समझते हैं फिर उसके जवाब समझने की कोशिश करते हैं इतराज़ ये है कि अल्लाह के नबी ने ख़ुद जो ज़मीर अल्लाह और उसके रसूल के लिए यहाँ इस हदीस में जमा किया तो एक मरतबा आपके सामने एक आप एक मजलिस में पहुँचे तो वहाँ एक सहाबी खुतबा दे रहे थे आपने उनको खुतबा देते हुए सुना सुनाई असिल्ला व रसूल उमै असीहीम उमासी व रसूल फ़क़त गवा ऐसा कहने के बजाय उमै यह उसने कहा जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा आपने कहा कि ख़तीब व अंत कुल उमै व रसूल तुम कितने बुरे किस्म के खतीब हो हिमा यासीमत कहो दोनों को एक ज़मीर के अंदर जमा मत करो अरबी की बल्कि अल्लाह का अलग जिक्र करो अल्लाह की नाफरमानी भी नाफरमानी होती है रसूल की नाफरमानी भी नाफरमानी होती है दोनों की नाफ़रमानी की जा जाएगी तो नाफ़रमानी तसूर की जाएगी ऐसा तो नहीं है इस्लाम में अल्लाह की नाफरमानी भी जुर्म होती है और रसूल की नाफरमानी भी जुर्म होती है ऐसा तो नहीं है कि भाई दोनों की नाफ़रमानी होगी तो वो जुर्म शुमार होगा उसका काम ऐसा नहीं है तो इसलिए कुल उमै असल्ला व रसूल ज़मीर के अंदर जमा करने से आपने मना फरमाया लेकिन इस हदीस में हम देख रहे हैं यकून अल्लाह व रसूल अहबिल इलैहि मिम्मा सिवाहुमा सिवाहुमा अल्लाह के रसूल अल्ला ने ख़ुद अल्लाह को और अपने रसूल को दोनों को एक ज़मीर के अंदर जमा किया तो इस एतराज़ का जवाब क्या है तो ये रिवायत जो है सही मुस्लिम में है उमै यासी असिल ये जो जम, जमा है जुमा के दिन जो खुतबा है होता था तो उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में है कि एक आदमी ने प्यारे नबी की मौजूदगी में इस तरह से जब खुतबा देते हुए कहा तो आपने फ़रमाया ख़तीब अंत कुलय यासी ला व रसूल आपने फ़रमाया ज़मीर को अल्लाह और उसके रसूल को दोनों को एक ज़मीर में जमा करने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग उनका बयान करो जबकि सुन नबू दाऊद में इब्ने मसूस से जिक्र है कि अन्न नबी सल वसमानकबती उमै तर रसूलफ़क्त रशद उमय इल्ला फ़ैन यहाँ भी अल्लाह के नबी ने अबू दाऊद की इस रिवायत में जो अल्लाह और उसके रसूल की इतात करता है उसको हिदायत और रुश्न मिल जाएगी और जो नाफ़रमानी करता है उन दोनों की तो वो फिन्र नफसा था। था। वो अपने आप ही को नुकसान पहुँचाएगा तो दोनों को यहाँ भी प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जमा किया है और इस इस रिवायत में जो हमारे सामने है जिस पर हम बहस कर रहे हैं तो पहला जवाब उसका यह दिया है कुछ महदसिन ने जहाँ अल्लाह और के रसूल को बराबर करने का अहतमाल हो मसावत का मामला जहाँ आदमी अल्लाह का एक मकाम है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम का एक मकाम है अल्लाह का जो मकाम है वो प्यारे नबी को नहीं मिल सकता क्योंकि आप इंसान हैं और बशर हैं और बशर में सबसे अफजल मकाम आपका है लेकिन तमाम कायनात में सबसे ऊंचा मकाम किसका है अल्लाह ताला का तो दोनों को जहां जमा करने का एहतमाल पैदा हो तो वहां जमीर दोनों को ज़मीर में जमा नहीं किया जा सकता जायज़ नहीं है बादज महदीन का जहाँ अहतमाल ना पाया जाता हो वहाँ जमा करने में कोई हर्ज नहीं है दोनों को जमा करने पर खतीब को आपने बुरा खतीब इसलिए कहा कि आपने समझा कि अल्लाह और उसके रसूल को बराबर और मसावी करार दे रहा है देना चाहता है इसलिए आपने उसको मना किया और उसको कहा कि तुम बुरे खतीब हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये इतमाल नहीं था आप दोनों को अल्लाह और उसके रसूल को दोनों को बराबर आप कैसे कर सकते थे इसलिए आपने जमा किया है तो ऐसे मकाम पर जहाँ अहतमाल न हो अल्लाह और उसके रसूल को मसावत का मकाम देने का वहाँ जायज़ दूसरा जवाब ये दिया है खुतब में अल्लाह और रसूल दोनों को एक लफ्ज़ में जमा करके लोगों के सामने पेश करना जायज़ नहीं जुमा के खुतबे हों या कोई भी आम मजमा हो जहाँ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं अवा भी होते हैं जो बात को समझने वाले भी होते हैं बात को न समझने वाले भी होते हैं तो खुतबे के अलावा जमा करना जायज़ है जहाँ इलमी महफिल हो दीनी दर्स गाहें हों तलब इल्म हो, हो जहाँ लोग बात को अच्छी तरह से समझ सकते हों क्योंकि लोगों से ख़िताब में वजाहत की ज़रूरत होती है अवान्नास को जब आदमी मुखातब करे तो हर चीज़ वाज होना चाहिए लोग शकु को शपाह लेके ना जाएं आपके पास यहाँ इकतिसार मुनासिब नहीं होता इसके अलावा इजाज़ और इख्तसार कर सकते हैं लेकिन अवामानन्नास के सामने बात खुली खुली होनी चाहिए इसलिए नबी अक्रम हदीस में दोनों को जमा किया गया ताकि आपके हदीस को आसानी से हफ्ज़ किया जा सके जबकि खतीब को आपने मनाक़ फरमाया तीसरा जवाब एक कुछ महदस ने दिया है मासीत में गुनाह के काम में जमा करना जायज़ नहीं लिहाजा मैं यासीमा ना कहा जाए दोनों की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी और रसूल की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी भी जुर्म है और रसूल की नाफरमानी भी जुर्म है तो कई लोग ये ना समझ बैठे कि इन दोनों की एक साथ नाफरमानी की जाए तो जुर्म व तसवर किया जाएगा दोनों की अलग अलग नाफरमानी की जाए तो जुर्म नहीं होगा ऐसा तसुर ना करें तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल को अलग अलग जिक्र करना चाहिए क्योंकि मासीत इनफरादी तौर पर भी जुर्म है अल्लाह की नवासीत भी जुर्म है और सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की नाफरमानी भी जुर्म है तो रसुलकरम सल्ला वसलम की मासीत और नाफरमानी ये बात नहीं है कि दोनों की नाफरमानी करे तब ये जुर्म बनेगा अल्लाह और उसके रसूल में से किसी एक की मासीत भी इंसान को मुजरिम बना देती है मोहब्बत में जमा करना जायज़ है ज़मीर को क्योंकि तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी मतलूब है और अल्लाह की मोहब्बत भी सबसे टॉप मोस्ट लेवल की मोहब्बत भी मतलूब है अल्लाह से तो मोहब्बत में जमा किया जा सकता है मासीत में नहीं मोहब्बत मजमू तौर पर ईमान का जुज बनती है अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत मजमू तौर पर ईमान का जज बनती है दोनों से मोहब्बत होगी तो आदमी साहिब ईमान होगा सिर्फ़ अल्लाह ताला से मोहब्बत हो और उसके रसूल से मोहब्बत ना हो तो ईमानदार नहीं कहलाएगा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है और अल्लाह से मोहब्बत नहीं है ईमानदार होगा नहीं क़ुरान करीम अल्लाह का कलाम है लिहाजा उसके हुक्म की इतात अल्लाह ताला की इतात अल्लाह की मासियत, अल्लाह की नाफरमानी है हदीस रसूल भी नबी अकरम वसल्लम का कलाम है इसलिए प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की इतात भी रसोल्ला हदीस में जो अहकाम आए हैं उनको मानना भी प्या की अतात है और हदीस की बातों को ना मानना प्यारे नबी सल्ला वसम की नाफरमानी और मासीत है चौथा जवाब ये दिया है अल्लाह और उसके रसूल दोनों को एक ज़मीर में जमा करने की रुखत नबी वसल्लम के साथ खास अल्लाह के नबी के लिए इजाज़त थी दूसरे किसी और के लिए इजाज़त नहीं है क्योंकि आपसे दोनों को मसावी समझने का खदशा और डर नहीं था अल्लाह के नबी कैसा कभी ऐसा तसुर नहीं किया जा सकता जबकि आपके अलावा दूसरों के लिए दोनों को जमा करना जायज़ नहीं है क्योंकि उनसे इस बात का अहतमाल बाकी रहता है कि दोनों को कभी किसी भी वक्त कोई भी मसाविस समझने लगें बरकैफ़ दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों अल्लाह आप सबको खुश रखे ये इस हदीस के एक जुमले में पैदा होने वाले एतराज़ के चार जवाब थे बरकैफ ये हदीस असूल दिन से ताल्लुक रखती है इसमें हलावत का जो ज़िक्र किया गया है ईमान की ये हलावत इमाम बुखारी इस जुमले से ये साबित करना चाहते हैं वजह हलावत अल ईमान ईमान की हलावत सबके दिलों में एक सा एक सा और बराबर नहीं होती ईमान का लेवल और मैार किसी के दिल में बहुत ऊंचा होता है और किसी के दिल में उससे कम होता है और किसी के दिल में उससे भी कम होता है तो जिस क़दर ईमान ऊंचा होगा बुलंद होगा ताकतवर होगा मजबूत होगा उसी क़दर ईमान की हलावत उसको महसूस होगी तो इस हदीस से इमाम बुखारी रमत ला ई ईमान की कमी और बेशी ज़्यादती और नुकसान इसको भी साबित करना चाहते हैं और इस हदीस में इमाम बुखारी बखारी रमतल मुरजिया का रद भी करना चाहते हैं वो कहते हैं कि ईमान घटता बढ़ता नहीं है और आमाल में आमाल की तासीर को नहीं मानते वो इमाम बुखारी कहते हैं कि आमाल की तासीर ईमान के लिए ईमान के अंदर मुसलम है और आमाल ईमान का एक हिस्सा है ईमान में दाखिल है ईमान का एक जुज़ है एक रुकन है और उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होगा दीनी भाई माँ और बहनों अल्लाह आप सबको खुश रखे इस हदीस में ज़िक्र है कियून अल्लाह रसूल अहब्ब इले ही उम्मा सिवा उमा या फाल तबदील तव, का सेगा सबसे ज़्यादा जैसे आप इंग्लिश में कहते हो गुड बेटर बेस्ट उर्दू में भी हम कहते हैं या फारसी में बे बेहतर बेहतरीन ये अहब्बा का जो सेगा है ये बेस्ट के माने में एक्सेलेंट के माने में सबसे ज़्यादा मोहब्बत, टॉप मोस्ट लेवल की मोहब्बत, इंतहा दर्जे की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल से होगी तो हमें ईमान का लुत्फ आएगा ईमान का मज़ा आएगा हज़रत बिलाल को सहरा के तपती हुई धूप में ज़मीन पर लिटाया जाता था सीने पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे और अवबाश कस्म के शरारत पसंद नौजवानों को उनको घसीटने के लिए उनके हवाले किया जाता था कहा जाता था कि अल्लाह के नबी का इनकार करो उस दिन का इनकार करो जिस दिन पर तुम ईमान लाए वो कहते थे अहदुन अहद सिर्फ़ अल्लाह एक है मैं उसी को मानता हूँ तुम्हारी बातों को नहीं मानता तो ईमान का उनको लुत्फ़ और मज़ा हासिल क्योंकि वह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में उनके खून के कतरे कतरे में रगो रेशे में जिसम के एक एक हिस्से में पैवस्त हो चुकी थी दरअसल मोहब्बत दिली ताल्लुक़ को कहते हैं खाए तल्ल किसी इंसान से हो या गैर इंसान से हो उसके दो हिस्से हैं एक कौली मोहब्बत होती है दूसरी क़लबी मोहब्बत होती है गुशतर में हमने आपको बताया था कि मोहब्बत की दो कस्में और हैं एक तबीयी मोहब्बत और एक असली मोहब्बत या अकली मोहब्बत या ईमानी मोहब्बत शर मोहब्बत ईमानी महबत अकली मोब्बत दीनी महबत शर मोहबत एक ही चीज़ जब दीनी मोहब्बत या शरी मोहब्बत या अखली मोहब्बत इंसान को हासिल हो जाती है तो तभी मोहब्बत भी फ़ितरी तौर पर उसके अंदर आ ही जाती है और मोहब्बत के दो जुज़ हैं एक कौली मोहब्बत और दूसरा कलबी मोहब्बत। क़ौली मोहब्बत का ताल्लुक़ क़ौल इंसान की ज़ुबान से बातचीत से गुफ्तगू से उसका इज़हार होता है क़ौली महब्बत के साथ अगर कल भी मोहब्बत शामिल ना हो, कौली मोहब्बत एक आदमी ज़ुबान से तो दावा कर रहा है मैं अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ दीन इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के नबियों से मुझे मोहब्बत है अल्लाह के अलिया से मुझे मोहब्बत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे मोहब्बत है क़ुरान से मोहब्बत है अच्छे और नेकी के कामों से मुझे मोहब्बत है इस तरह की ज़ुबान तो ये अपनी कवली मोहब्बत का इजहार कर रहा है कल भी मोहब्बत अगर शामिल ना हो तो ऐसी मोहब्बत काबिल एतबार नहीं जो उसके दिल में है वही उसके ज़ुबान में होना चाहिए दिल में कुछ और और ज़ुबान से किसी और चीज़ का इजहार ये खुला हुआ निफाक क्योंकि न मुमकिन है कोई शख्स किसी की मोहब्बत का दावेदार तो हो लेकिन उसका दिल मोहब्बत से ख़ाली हो जैसे मुनाफिकों का दिल था वो अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत का दावा करते थे लेकिन दिल में उनकी मोहब्बत थी नहीं और ये भी न मुमकिन है कि दिल में महब्बत के बजाय नफरत और अदावत और बुग्ज़ और हसर की आग से लग रही हो वो तो अपने उंगलियां अपने मुंह में दबाते थे गु़स्से से जब तक अमली महब्बत का मुजाहरा ना हो, होलबी मोहब्बत अमल के शक्ल में जाहिर ना हो उस वक्त तक कौली मोहब्बत का कोई अतबार नहीं अब आप आ, कहेंगे क्या कौली मोहब्बत और कलबी मोहब्बत इसका मतलब क्या है थोड़ा सा और वजाहत के साथ समझाइए चलिए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कौली महब्बत का मतलब ये है कि मोहब्बत करने वाला शख्स अपनी ज़ुबान से हरदम अपने महबूब हस्ती की मदोसताइश बयान करें उसके उसाफ़ और कमालत का खूब तस्करा करे उसकी बुजुर्गी और बड़ाई किबरियाई और अजमत के कसीदे पढ़ता रहे उसकी मोहब्बत में अपनी जान व माल आलोलाद को निसार करने के दावा करे इस ज़ुबान से दावे हो रहे हैं कल भी महब्बत का मतलब होता है कि मोहब्बत करने वाला शख्स सिर्फ ज़ुबान से ही अपने महबूब की अकीदत व महब्बत और उसकी इताद का दम न भरे बल्कि अपने अमल से भी उसका सबूत फराहम करे जो कह रहा है वो करके दिखाए जो कह रहा है करके देखे दूसरे लफ्ज़ों में मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का इस दर्जे ताब फरमान हो जाए कि उसके दिल में महबूब की हुक्म अदूली का कभी ख्याल तक ना आए नाफ़रमानी करने का तस्वूर तक भी नहीं आए नाफरमानी करना तो बहुत दूर की बात तस्वूर भी नहीं जब महबूब की जानब से कोई हुक्म या फरमान शादिर हो जाए अल्लाह ने कहा शराब पीना हराम है छोड़ दो तो साबा के नाम ने पूरे मदीने की गलियों में शराब के मटके तोड़ दिए गलियों में बहा दिया तो बारिश के पानी की तरह शराब बहने लगी ये हमारा जज्बा होना चाहिए तो महबूब अल्लाह जो हमारा महबूब है उसकी जानिब से कोई हुक्म या फरमान शादिर हो जाए तो उसे मालूम हो जाए कि उसके महबूब की मर्जी यही है तो फौरन सदाए लब्बे है उसके हुक्म की तामील में लग जाए दिल सच्ची मोहब्बत से लबरेज़ हो और पुरजोश ना हो जोश भी होना चाहिए अमल करने का जज्बा भी होना चाहिए हमास भी होना चाहिए हौसला भी होना चाहिए हिम्मत भी होनी चाहिए तो ख्वाहिश के बावजूद इस किस्म कि की का मुजाह किसी झूठे मोहब्बत का दावे करने वाले से तो मुमकिन नहीं होगा। एक बड़े आलिम दीन हैं वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के सही मफहम को एक मिसाल से समझाते हैं कहते हैं मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब से किस दर्जे और नौयत का ताल्लुक़ होता है उसके दिल में महबूब की कितनी अजमत और औकात होती है अगर क्या अगर कोई मोहब्बत करने वाले को अपना महबूब कोई हुक्म दे कि तुम मेरे पास अभी इसी वक्त चले आओ गर्मी के वक्त चिलचिलाती धूप दोपहर दोपहर में चार कोस बरहाना पैर चल के आओ क्या सच्चा मोहब्बत सच्चा में सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई इनकार की जरूरत कर सकता है क्या करेगा या उससे उस, उस हुक्म के आप मुझे इस कस्म का क्यों हुक्म दे रहे हो इसमें क्या मसला आता है पूछने की जसारत करेगा वो तो सिर्फ ये देखेगा कि ये हुक्म किसका है साहब का नाम का है यही हालत अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो सिर्फ बुलाने से दौड़ता हुआ आएगा अगर कोई रोकना भी चाहेगा तो हरगज रुकेगा नहीं गरज किसी भी किस्म के आमर नहीं में उसको ज़रा भी पसोपेश नहीं होगी आपने रोगी मोहब्बत मह, करने वालों को भी देखा होगा बहुत सारे लोग जब उनके मोहब्बत के राह में कोई आड़े आता है तो ख़ुदकुशी कर लेते कहते नहीं करते हाँ कितने वाकयात ऐसे होते हैं घरों से लड़का और लड़की भाग जाते हैं और माँ बाप और खानदान दोनों खानदानों की मर्ज़ी के, के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और जब उनके रिश्तेदार उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो रिश्तेदारों के जुल्म सहने से तो अच्छा है कि खुदकुशी कर ले मैंने खुदकुशी करके मर जाते जान दे देते हैं अपनी इस रोगी और जज्बाती मोहब्बत के रास्ते में तो दीनी भाइयों अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह के रसूल से मोहब्बत बहुत मुकद्दस होती है बड़ी मज्ज होती है बड़ी मुकर्रम होती है और अल्लाह ताला उसको इस इंतहाई कदर की निगाहों से देखते हैं जब मोहब्बत करने वाला अपनी जान का नजराना अल्लाह के रास्ते में पेश करता है तो उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है मखफ़रत के परवाने उसको मिल जाते हैं जन्तों के दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं और अजाब ख़बर से उसको महफूज कर लिया जाता है ईमान का वक़ार का ताज उसके सर पर रखा जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह ताला की मोहब्बत इस कलीदी हकीक़त से लोगों की अक्सरियत नावाकिफ है वाकिफ है कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी याद किसी भी वक्त उसके दिल से नहीं उतरती अगर हमको वाकई में अल्लाह से मोहब्बत है तो हर वक्त हमारी ज़ुबान पर किसका ज़िक्र होना चाहिए अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए अल्लाह के ज़िक्र का मतलब ये नहीं है कि हज़ार दाने की तस्वीर लेके आप उसको अल्लाह 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 हु अल्ला हु अल्लाह हा हु हक पुकारते रहें ये ज़िक्र न मतलूब है न किसी हदीस में मजकूर है इस तरह से ये तो गैर मशरू जिक्र मशरू जिक्र ये है कि हम अल्लाह की तस्वीर बयान करें सूहान अल्लाह कहें अल्लाह के हमदोसना बयान अल्हम्दुलिल्लाह कहें और जिक्र सिर्फ़ इलाहा ला अल्लाहु अकबर इस तरह के अजकार ही को ज़िक्र नहीं कहते इस वक्त आप ज़िक्र की महफ़िल में दीन का इलम सबसे अफजल तरीन ज़िक्र कुरान और हदीस का इल्म आप हासिल करने के लिए बैठे हैं तलब इलम के लिए बैठे हैं जब से आप घर से निकले हैं घर वापस जाने तक ज़िक्र की हालत में आप और जब ये मजलिस ख़त्म होती हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को गवाह बना के कहते हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत रिवाय को मफूोल विलत सयात कम हसनात उठो मैंने तुम्हें बख्शिश के मगफिरतों के परवाने अता कर दिए तुम्हारे गुनाहों को मैंने नेकियों में तब्दील कर दिया इतनी बड़ी खुशखबरी है और ऐसे अजीम जिक्र के साथ आप घर को वापस लौटते हो आज देखें कितने लोग इस इस अजीम अजर से महरूम हैं चंद लम्हात के लिए आप यहाँ बैठे हैं तो एक अजीम बशारत लेके घर को वापस हो रहे हो बर कैफ़ जब किसी से हमें मोहब्बत होती है तो उसकी याद हमारे दिल से नहीं उतरती अल्लाह के बारे में भी हमारा यही मामला होना चाहिए कि अगर हम दावा करते हैं कि हमको अल्लाह से मोहब्बत है तो हर वक्त उसका ज़िक्र हमारे ज़ुबान पे जारी होना चाहिए और उसके हर हुक्म का हम जब सुने तो अमल करने की नीयत से सुने मोहब्बत करने वाले से कभी अपने महबूब के किसी हुक्म में भूल चुक या माफरमानी का जहर का तसूर नहीं किया जाता क्योंकि भूल चुक तो हमेशा उस काम में होती है इसके जानब तवज्जो पूरी नहीं होती क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं तो महब्बत का मतलब ये होता है कि हमारी पूरी तवज्जो पूरी तरकीज हमारी उसी उन्हीं की जानब हर वक्त हमारे दिल व दिमाग पर उनकी मोहब्बत ही सवार होती इसमें भूल चुक आदता मुमकिन नहीं बहर अल्लाह की मोहब्बत जिसे हम शरीयत में मोहब्बत ईमानी कहते हैं या मोहब्बत शरी कहते हैं या मोहब्बत अकली कहते हैं या मोहब्बत दीनी कहते हैं ये कौली और कल्बी दोनों कस्म की मोहब्बतों को शामिल और दाखिल है इसमें इसमें ज़रा बराबर भी तफरीक जायज़ नहीं क्योंकि सिर्फ जुबानी कौली मोहब्बत हो और कल मोहब्बत ना हो ऐसा मुमकिन नहीं एक दोनों मतलूब हैं दोनों किस्म के मैंने ज़ुबानी भी मतलूब है अल्लाह का ज़िक्र भी मतलूब है और दिल के अंदर भी अल्लाह की ताज़ीम हो अल्लाह का के तोिरर हो अल्लाह के आसमा और सफ़ात का अहतराम हो अल्लाह की किताब का अहतराम हो अल्लाह की मुक़दस और मज्ज़ मक़ामात का एहतराम हमारे दिल में होना चाहिए तो ये मोहब्बत की अगले दरस में हम अल्लाह की मोहब्बत के क्या माने हैं और उसका क्या मफहम है इसको बड़ी तफसील से गुफ्तु करेंगे इस पर जब तक के लिए आप अपने भाई अबू सैद को इजाज़त दें अल्लाह आप सबको खुश रखे सुबह नाव हमदिकदल अंत असत फिर वतुबिलीख